लम्बे रहा लम्बे रहा तू तो लम्बे भाग जाए ना अच्छा बना 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 ले आओ ले जाए वीडियो बना ओह माय गॉड दोस्तों आप ये देख सकते हैं काटता भी है अपने बचाव के लिए ये होया यहूबा का निया बहुत है दोस्तों आप ये देख लीजिए ये इंसानों का रहन सहन है और बिल्कुल मैं उसके करीब में आ चुका हूँ जहाँ पर परिवार रहता है। दोस्तों शाम का वक्त है ये सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग और चलते हैं दोस्तों दिखाते हैं सांप है कौन सा। ये प्लीज कम लेते हैं दोस्तों छोटा सा वक्त। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जानवरों का चारा रखा हुआ है और एक बात होती है जहाँ पर इंसान रहता है दोस्तों वहीं पर अनाज होते हैं और अनाज को खाने के लिए अक्सर चूहा हमारे घरों के आसपास रहते हैं घरों में भी रहते हैं और जो हमको फोन करके बुलाए थे उनसे हम आपको एक बार रूबरू करवा देते हैं। हमारा नाम सर्वेश कुमार यादव ग्राम सुल्तानपुर गौर ग्राम सुल्तानपुर गौर पोस्ट और रही जिला जौनपुर। चलिए दोस्तों आप ये देख लीजिए ये दोस्तों रखा हुआ है जानवरों का चारा और इसी के नीचे है वो वहाँ तक हाँ दोस्तों ये है दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक आ चुका है दोस्तों आ चुके हैं हम लोग उसके करीब में दोस्तों इसे आप देख समझ सकते हैं यहाँ पर इसके बच्चे बहुत ज्यादा हैं। चलिए मैं सभी को यहाँ से उठाता हूँ दोस्तों हम बिल्कुल उसके करीब में आ रहे हैं एक साथ इतने बच्चे हैं मोबाइल जला के दोस्तों आप ये देख सकते हैं काटता भी है अपने बचाव के लिए। बात ये दोस्तों अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ होता है कोई बदतमीजी होती है तो ये बेचारे अपने बचाव के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात ये है कि ये बिल्कुल दोस्तों नान मेनमस है। ये दोस्तों ठंडक के महीने में अंडे बच्चे दिए रहते हैं और ये गर्मी के महीने में ये अंडे से बाहर होते हैं। सर इसकी माँ भी है इसकी मम्मी है अच्छा ठीक है चलिए हम इसको पहले पैक करते हैं। दोस्तों इसकी मम्मी भी है ये पापा का कहना है सॉरी भैया का कहना है भैया थोड़ा शांति रखिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं ओह माय गॉड बहुत बच्चा है। चलिए दोस्तों हम धीरे धीरे उसके करीब में चलते हैं। ये होया यहूबा का निया बहुत है दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा भी होगा हमें लग रहा है कहाँ से इतना नहीं खींचना नहीं जितना मिल रहा है पहले उसको अपना काम कर लो। हमने सोली चार थे लाइव 20-25 तो पहले रहे एकदम धीरे धीरे जब हम कहें रुक जाइए तो रुक जाइए वहाँ चलते रहे धीरे धीरे हाँ चलते रहिए चलते रहिए साहब हुआ तो रे कहाँ जाता है वही सर बोलिए ना चिल्लाइए ना हम देख लेंगे तू चिल्ला जी शांति रहिए चल ओ लीजिए फटाफट लगभग मिल चुका था बहुत घबराने की बात नहीं एक मिनट भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर निकल रहे हैं अभी भी बहुत है सर हाल से आपके एक पैर के पास है यार ये भुटिया पकड़ा तू वो देखे वो जा रहा है
जूता के नीचे घबराइए नहीं, नहीं उसको रहने दो, जाएगा नहीं कहीं। एक साड़ी है यार साहब, खुदवा दे, खुलवा दे उसको, हाथिए मत सब लोग। यही देखे थे जस्ट वही बोल रहा था। हाँ राहुल अब देखा कहाँ, खुदा तो है। हाँ हाँ दिखाइए लाइव सॉरी, रुकिए बता रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसके अंदर अंडे बच्चे सब हैं। लम्बे रहा, लम्बे रहा सर, तू तो लम्बे भाग जाए ना, अच्छा बना बना वीडियो बना ले, आओ ले जाए वीडियो बना, मैं चैनल खुद ही बता दिया यूट्यूब वाला। और चाय का हीरो निकल गया इसमें से, कौन निकल लिखे दोस्तों इसी के अंदर सब थे, और ये दोस्तों फूटता चला जा रहा है अंडे, और इसमें से बच्चे निकल रहे हैं, ये आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर से बच्चे सब लगभग निकल चुके हैं, और यही ये बच्चे इसी में से निकल निकल के टहलते रहे। चलिए मैं इसको भी इसमें रख देते हैं। वो ही क्या हूँ, हाँ हूँ। और कौन आऊँगा? हाँ अगमा कहीं यार है। एक है बच्चा। मट्टी खुली है। सेब लेबा छड़ी हुआ पर? वाह 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 वाह। वा। दोस्तों एक साथ इतने ज़्यादा हमारे भारत के एक ऐसा सांप है ये, जहाँ पर दोस्तों झील झरना पानी का दरिया होता है, पानी की व्यवस्था होती है, वहीं पर दोस्तों जिसको हम इंडियन चेकर्ड किलबैक के नाम से जानते हैं उसी के ये बेबी हैं छोटे, और अभी ये अंडे से बाहर निकले हैं। हालांकि दोस्तों ये अप्रैल और मई के महीने में अंडे से बाहर निकलते हैं, ये बहुत तेज़ी से बाइट करते हैं, और इनका जो पसंदीदा भोजन है वो काकरोच, छोटे छोटे जीवों को, काकरोच या तिलचट्टा हो, या कभी कभी दोस्तों ये मछलियों को भी खाते हैं, और कभी कभी मेंढक के बच्चे को भी ये खाते हैं, और घर में घुस करके दोस्तों कभी कभी ये छोटे छोटे चूहे के बच्चों को भी अपना निवाला बनाते हैं, और एक साथ दोस्तों इनके अंडे बच्चे लगभग जो देते हैं लगभग 50 से ज़्यादा देते हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक बार में ये जो चेकर्ड किलबैक है जिसको हम पानी वाला सांप बोलते हैं या वाटर स्नैक बोलते हैं गाँव में, जिसे हम डोढ़ा बोलते हैं, आप जानते हैं मुझे पता है, कमेंट करके बताइएगा कि एक बार में ये कितने बच्चे देते हैं, मतलब अंडे कितने देते हैं। दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद हुआ और कड़ी मेहनत हुई, ये शाम का वक्त है, और काफ़ी प्रयास के बाद दोस्तों लगभग ये 55-60 बच्चों के आसपास इंडियन चेकर्ड किलबैक को हमने रेस्क्यू किया, और यहाँ के लोग भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं, हालांकि इन्होंने इसको मारे नहीं बल्कि बचाने का काम किए हैं। तो दोस्तों इनके लिए तो एक लाइक बनता है, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दूर दूर तक दोस्तों, ऐसे बेजुबानों को बचाने में प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा, और जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी मुरली वाले हौसला का एक परिवार बन सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना मासूम, कितना क्यूट है ये भाई, कब आया इस दुनिया में? एक हफ्ता हुआ इसको इस दुनिया में आए हुए। दोस्तों ये बेचारे बेजुबान हैं, जितना फर्ज अपना निभा देते हैं इंसानों के प्रति, इंसान को भी उतना निभाना चाहिए। आए दिन दोस्तों रोड पे देखते हैं कुछ पशुएं छुपते इधर उधर रहते हैं, गर्मी का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों इनके पानी की व्यवस्था भी आप कीजिए, क्योंकि इनका हमारे आपके अलावा इस दुनिया में है कौन। दया नाम की चीज़ मालिक ने सिर्फ इंसानों में दे रखा है, और दोस्तों इंसान होने के नाते आप भी अपना फ़र्ज निभाइए। ये दोस्तों आप देख लीजिए नदी का किनारा है, ये पानी यहाँ पर है, तो चलिए दोस्तों इसके अंदर मैं हाथ डाल करके निकालता हूँ, और देखता हूँ दोस्तों ये बाइट कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। हालांकि दोस्तों इस काम को आप देख करके काफ़ी नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये है दोस्तों हमारे भारत के सांप। दोस्तों इन्हें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे सांपों को, ऐसे बेजवानों को बचाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये बिल्कुल नान मेनमस होते हैं, लेकिन दोस्तों ये बाइट बहुत तेज़ी से करते हैं, इन्हें आप देख के समझ सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, ऐसे बेजवानों को बचाने में जो सुकून और जो शांति मिलती है वो शायद दुनिया की किसी कामों में नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों हम इसे यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों एक बार चाहते हैं इतने सारे सांप अगर इन्हें छोड़ दिया जाए, यहीं पर रिलीज़ कर दिया जाए, तो ये दोस्तों ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे वातावरण में ये रहते हैं
यहाँ पर पानी भी है, इनको भोजन भी और इनको पानी भी दोनों भी मिलेंगे इनको। तो इनको हम दोस्तों रिलीज़ कर दिए हैं। दोस्तों इन्हें मैं उठाता हूँ, एक बार पानी में रख करके ट्राई करता हूँ ये पानी में कैसे जाते हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये दोस्तों चेकर्ड कीलबैक पानी वाले सांप हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बेजवानों को बचाते हुए। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।